वेलकम। आज अपन लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट, दैट मीन्स घातांक सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट होता है ना चैप्टर, उसी का घात और घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैंने आपको टॉपिक का नाम इसलिए बता दिया क्योंकि बच्चे लोग क्या करता है कि क्वेश्चन खाली बनाता है लेकिन पता नहीं चलता है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आपको कोई अगर कोई पूछेगा इस किस टॉपिक का क्वेश्चन है तो आप बोलना पावर एंड एक्सपोनेंट, यानी कि घात और घातांक। अब बात करते हैं ये बनेगा कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं बनाऊंगा दो तरीका से। ठीक है, फर्स्ट में मैं यहाँ पे एक ऐसे करके क्वेश्चन उतार लूँगा। क्लियर, ऐसे करके क्वेश्चन उतार ले लूँगा ऐसे। अब यहाँ पे बराबर दूंगा, फिर ये जो बड़ी कोष्ट है बिग ब्रैकेट, इसको मैं वही का वही रहने दूंगा ऐसे करके। फिर ये ऊपर में दो है तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, दो दे दूंगा। ठीक है, फिर 81 है तो 81 को मैं आराम से लिख सकता हूँ 3 * 9 * 27 * 81, कोई दिक्कत नहीं है। आप 81 को ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेकेंड, आप 81 को ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप 81 को ऐसे भी लिख सकते हो, 9 * 9। ठीक है, एक बटा चार, यहाँ पे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोटा छोटा लिखा, आप बड़ा फॉर्म में भी नहीं भी लिख सकते हो, या तो कोई दिक्कत। अच्छा, ये 1/4 है तो ये तो यहाँ पे आपको चिपकाना पड़ेगा, बराबर देंगे। फिर यहाँ पे ये वाला बट्टा दे देंगे। अब हम एक बात बताओ, गुना में पावर जुड़ता है, ये रूल तो आपको पता होगा। ठीक है, 6-7 के स्टूडेंट होंगे तब आपको पक्का पता होगा, सीनियर क्लास में चले हुए होंगे तो हो सकता है आप भूल गए हो, नहीं तो आपको याद है तो वेरी गुड। तो a का पावर m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है तो a का पावर m, और यहाँ पे प्लस दे देंगे और यहाँ पे m दे देंगे, यानी कि a का पावर m और a का पावर n, तो गुना में पावर जुड़ता है तो m जो n हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ भी देखो एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, आप नहीं भी देखो तो चलेगा। तो 50 को 3 देगा, उससे नहीं मतलब है, 1 3 दे देंगे अपने लोग, 1 3 दे देंगे, गुना में पावर जुटेगा तो 1 2 3 चार गो 3 है तो 3 का पावर 4 दे देंगे। ये तो ऊपर में छिपके हुए करेंगे इसका जो पावर था, फिर ये दो दो ऐसे करके सेम उतरते जाएगा, फिर बराबर दे देंगे। अब यहाँ पे देखो एक रूल और होता है, यहाँ पे अपने का सर और कौन रूल होता है देखो, तो ये एक रूल होता है कि ए का पावर एम रहेगा। ठीक है, देखो ए यहाँ पे क्या, यानी कि 3, एम यानी कि क्या, यहाँ पे 4, और यानी कि एन, एन का यानी कि 1/2, 1/4, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, दोनों को गुना किया जाता है, एम गुने एन क्या होता है, एम गुने एन होता है, गुना किया जाता है। अच्छा, तो सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये ए का पावर एम, ए का फिर यहाँ पे एन है तो इसके जैसा, ये इसके जैसा लग रहा है देखने में, तो इसका फॉर्मूला ये हुआ तो इसका भी यही भला हो जाएगा, सेट कर देंगे उस पर। 3 है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 3 दे देंगे, फिर 4 है तो फिर 4 दे देंगे, फिर यहाँ पे गुना दे देंगे, फिर 1/4 है तो फिर 1/4 दे देंगे, फिर इस डिब्बा दे के ऐसे करके 2 यहाँ पे उतार देंगे, या तो कोई दिक्कत। अब देखो आप ये मत सोचना कि 3 के सामने में, 3 के पावर में लगा हुआ है, देखो इस टाइप का, देखो ये कुछ ऐसा है, 3 है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है 3 है, यानी कि ये 3 है, 3 ये ऊपर में है ऐसे करके, ऊपर में ये ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, पावर है, ठीक है, इसको आधार बोलते हैं, ये जो 3 है इसको आधार बोलते हैं, इसका पावर घात है। तो अब बताओ यहाँ नीचे में 1, तो ये कट गया, तो इस टाइप का है ये, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ऐसे ऐसे करके क्या करूँगा, काट दूंगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करूँगा कि 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 दे दूंगा। ये लेना आप स्किप भी कर सकते हो, जो मैं अभी दे रहा हूँ ये वाला लेना आप क्या कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, कोई मतलब नहीं बनने वाला, आप नहीं भी देगो तो चलेगा, क्यों नहीं देगो, क्यों चलेगा, क्योंकि 3 का पावर 1 तो 3 हुआ, इसलिए देखो 3 का पावर 1 तो क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 2 अब यहाँ पे कुछ छोटी कोष्ट भी देगा चलेगा, देखो सब जगह बड़ी बड़ी कोष्ट दिए, क्योंकि बड़ी कोष्ट के अंदर में छोटी कोष्ट था इसलिए मैंने दिया। अब यहाँ पे तो खत्म हो गया, अब इसका आगे ऐसा भी दे सकते हो आप, देखो इसके आगे आप ऐसा भी बना सकते हो, देखो इसके आगे ऐसे, ये ना ये हटा के 3 कर दो, ये दो आप लोग, सर 1 कहाँ गया, नहीं ये कुछ 1 ही हुआ, तो इनको 2 बार लिख दो, 1 × 3 × 3 तो 9 ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे सिंपल में 2 बार अगर अच्छा से करो तो 2 बार लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 9 लिख दो, समझा ना, ऐसे करके क्या हो गया, ये आंसर हो गया ही, फिनिश।
आप चाहो तो ये लाइन स्किप भी कर सकते हो। कौन कौन लाइन? देखो ये लाइन से डायरेक्ट आप ये लाइन मार सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा टाइम की कमी है तो। आपको ऐसे हंसना नहीं, समझाने के लिए डायरेक्ट ये लाइन मार सकते हो, ठीक है। ये तीनों लाइन आप स्किप भी कर सकते, नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। और हालांकि मैं अच्छा से बता दिया आपके, आप अपना डिसाइड करो उसमें से कौन लाइन देना है कौन लाइन नहीं देना है। तो कितना स्टेप में बना? एक दो, क्वेश्चन तो उतर ये तो उतार भी करेंगे यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लाइन में मोटा मोटी बना। तो आप चाहो तो उसको पांच लाइन करो या बढ़ाओ घटाओ वाट एवर कुछ भी करो, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड देखो, दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका यानी कि सेकंड मेथड में क्या बनाएंगे, इजी है, टेंशन नहीं लेना है। सेकंड मेथड में क्या बनाएंगे, इसको ऐसे करो, ये तो क्वेश्चन तो उतारेंगे ही, ठीक है, क्वेश्चन तो उतारेंगे ही, ये है ऐसे करके उतार देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बटा चार दे देंगे और ये यानी कि पावर दो लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे इसको तोड़ा ना, मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, ये वाला फार्मूला यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। इस देखो फिर से देखो, ये वाला फार्मूला है ना यहाँ पे, ये वाला फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला का आप यहाँ पे लिख दो। मैं डायरेक्ट ऐसे करके नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ये फार्मूला के अनुसार नहीं बनाऊंगा, मैं इस फार्मूला पर सर करूँगा। तो इस फार्मूला का आप ऐसे करके उठाओ और यहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है, 81 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डबा दे देंगे। अब देखो आप यहाँ नहीं, दोनों को गुना कर देंगे। हमने क्या बोला, इसको यहाँ पे उतार दो, इस टाइप का अभी जो था ना ये वाला, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे उतार दो, अच्छा डिब्बा में। फिर यहाँ पे दोनों को गुना करो, एक बट्टा चार गुने क्या चीज, क्लियर क्लियर, अच्छा डिब्बा में घेर दो, अच्छा ओके। अभी डिब्बा नहीं भी दोगे तो चलेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हम कुछ नहीं तो एक है, तो दो एक दो दूधना चार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, एक एक को गुना करेंगे तो एक, और दो एक को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो हुआ, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो इसके आगे, इसके आगे देखो, इसके आगे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसके आगे देखो, यहाँ एक लाइन यहाँ पे देख लो। अब हम एक बात बताओ, एक बट्टा दो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। एक बट्टा दो को, एक बट्टा दो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 81 को आप लिख सकते हो ना, तीन तिया नौ तिया सत्ताईस, 81 ऐसे करके जब अपने लोग लिखे थे, 81 को लिख सकते हो, तीन तिया नौ तिया सत्ताईस और तिया 81 लिख सकते हो। एक बट्टा दो है तो एक बट्टा दो यहाँ पे चिपका दो, इस टाइप का। फिर देखो, फिर मैंने अभी बताया गुना में पावर जुड़ता है, तो एक दो तीन चार, तो तीन कितना बार है, चार बार है कि नहीं है, तीन चार बार है, अच्छा। अभी ये दोनों ब्रैकेट है, दो दो नहीं दो नहीं दो, तुम्हारा मर्जी, चलो मैंने दे दिया। फिर एक दो तीन चार वो है ना, फिर यहाँ पे देखो कोई भी कोष्ठ का मतलब गुना होता है, ये देखो ऐसे मैं जो हंस रहा हूँ तो ये गुना हुआ, गुना दे देंगे, एक बट्टा दो देंगे, अब इसे करके उतार देंगे। फिर देखो नीचा में तीन का पावर में है ये सब, अभी मैंने बताया था ना, ये ऊपर में इस टाइप का, देखो मैंने अभी बताया था ना, ये तीन है तो तीन, इसका जो ये वाला देख रहे हो ये ऊपर में है, ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ पे तीन दे देंगे, तो एक दो दो ना चार, तो तीन का पावर कितना हो गया, देखो दो एक को गुना करेंगे तो दो, इस टाइप का हुआ ना, दो को गुना करेंगे दो, और एक को एक से गुना करेंगे तो एक, नहीं भी लिखे तो दो ही नहीं लिखेंगे, दो बटा एक तो दो ही ना होता है, इसलिए दो लिख देंगे। फिर देखो तीन तीनों, अब ये वाला स्टेप आ गया आंसर। अब जो मन होता है वो करो, अभी तरीका बनाओ या वो ये तरीका बनाओ, आप एक ही हुआ, ठीक है, कुछ खास नहीं है। देखो इसका यहाँ से भी बना सकते हैं, मैंने अभी क्या बताया था, छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं, यानी कि 81 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ये भी बना सकते हो, देखो ऐसे करके भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करो, नौ दो एक और एक यहाँ पे दो दे दो, फिर गुना दे के एक बट्टा चार दे दो, फिर यहाँ पे ये तो उतारे हो उतारे गो ही, दो एक दो दो ना चार हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नौ हो गया, एक यहाँ पे एक है, एक को गुना करेंगे तो एक, और दो बट्टा एक तो एक। देखो एक बट्टा दो तो दो नहीं होता है, दो बट्टा एक तो दो होता है, ठीक है, नीचे में एक रहेगा तो चलेगा, यानी कि पाँच बट्टा एक है तो पाँच लिखेगा, सात बट्टा एक है तो सात लिखेगा, लेकिन एक बट्टा पाँच है तो पाँच नहीं होगा, एक बट्टा सात है तो सात नहीं होगा, ठीक है, सात नहीं दिख देना नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पाँच बट्टा नीचे में एक रहेगा ना, तो वो उड़ के यही वाला आ जाता है न्यूमरेटर वाला, लेकिन डिनोमिनेटर में रहेगा और न्यूमरेटर में एक रहेगा तब नहीं होता, तब यही आंसर हो जाता है, बात समझे ना, ऐसे। तो यहाँ पे मैं बता रहा था इसके आगे, अच्छा फिर यहाँ पे ये मैं दो उतार दूंगा। फिर यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है ये वाला फार्मूला, अभी जो मैंने बताया था, एक का पावर एम और कोष में देखिए एन, एक का पावर एम और एन, दोनों दोनों को गुना करते, क्योंकि ये ब्रैकेट है, कोई भी ब्रैकेट मतलब गुना, तो नौ एक बट्टा दो, फिर यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है, आप चेंज भी कर सकते हो, गुने देखे ये दो, अब देखो कट गया ये वाला, से नीचे में एक है, ये वाला क्या हो गया, कट गया, तो नौ का पावर एक, तो यहाँ पे क्या हो गया, नौ आंसर। ऐसे भी बना सकते हो, तो तीन तरीका हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ थर्ड मेथड, थर्ड मेथड। आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो बना लो, ठीक है। अगर मेरा सजेशन मानोगे, मेरा सजेशन मानोगे
तो या तो ये तरीका बनाओ या तो ये तरीका बनाओ। इस तरीका में इतना लाइन नहीं लिखना, 4-5 लाइन को छिप लेना, वैसे भी MCQ में कहूँ पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो रब को मिल करना पड़ेगा, तो जल्दी दे बनाना, तीनों तरीका में जो आपको इच्छा होता है वो बनाना, ठीक है। लेकिन जल्दी बनाना, इतना टाइम लेके नहीं बनाना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप पक्का सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।